दिस इज माइनक्राफ्ट हार्डकोर और हम माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 50 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको बस 2 सेकंड लगता है लाइक करने में, तो जल्दी से लाइक कर दो और हम बढ़ते हैं सीरीज की ओर। जब हमारा वर्ल्ड चालू हो गया, मैं जल्दी से फटाफट अपने वुड को काटना चालू कर दिया ताकि मैं अपने कुछ टूल्स बना सकूं। उसके बाद मैंने टूल्स बना के कुछ स्टोन्स भी माइन करना चालू कर दिया और बाद में मैंने अपने नेक्स्ट स्टोन के टूल्स को भी कंप्लीट कर लिया। और थोड़ी देर में मेरे को सामने आयरन भी दिख गया था, उसको भी मैंने माइन कर लिया जल्दी से और मेरे को अराउंड 7 से ज़्यादा ही माइनर आयरन मिल गए थे। बेसिकली आफ्टर दैट मैंने कुछ उधर कोल भी माइन कर लिए थे और पास ही आए कि अब मेरे को और भी ज़्यादा मिनरल्स मिल गए जिनको मैंने तोड़ लिया। उसके बाद मैंने कुछ एनिमल्स को भी मारना चालू कर दिया जिससे हमको खाने का कमी कभी होने ही नहीं वाला था। और रात को सोने के लिए हमारे पास वूल के भी कलेक्ट हो गए थे और मैंने कुछ पिग्स भी मारे और उनका खाना कुक कर दिया बाद में। और रात को मैं सो के एक मस्त नींद लिया। उसके बाद सुबह उठ के मैंने फिर से एनिमल्स को मारना चालू कर दिया और कुछ वाटरमेलन भी तोड़ लिया, तो हमारे पास अभी बेसिकली खाने का कोई भी कमी नहीं होने वाला था। तो उसके बाद मैं निकल गया शुगर केन माइन करने के लिए। बहुत सारे शुगर केन मैंने माइन किए थे उधर आसपास, मेरे को बहुत सारे शुगर केन मिल गए तो मैंने उसको भी माइन करके फिर अपने निकल गया अपने एडवेंचर की ओर। पास ही में आए हुए एक नेदर पोर्टल को भी मैंने लूट लिया जिधर मेरे को बहुत सारा लूट मिल गया था और एक ऊपर से एक फ्लिंट एंड स्टील भी मिला था। थोड़ी देर की एक्सप्लोरिंग के बाद मेरे को अपना एक पहला विलेज भी मिल गया था जिसमें मैंने पहले फेर में अपना मतलब सामान रख दिया था और एक वेड में रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया था। आई नो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला था। उसके बाद मैंने अपने जो भी जंगल के सैपलिंग थे उनको प्लांट करके हे बेस माइन करने में लग गया था। उसके बाद इस विलेज के पहरेदार को भी अपने मार दिया और इससे हमको 5 आयरन मिले जिससे मैं अपना पिकैक्स बना लिया था। फिर मैंने कुछ ब्रेड बना लिया और अपने लिए खाने का पूरा जुगाड़ कर लिया और मैंने जो भी माइन किए आयरन थे उनको भी मैंने स्मेल्ट करने में लगा दिया। आज के टाइम पे मैंने सारे विलेजर्स को ट्रैप कर दिया रूम के घर के अंदर क्योंकि वो बाद में मर ना जाए, इसलिए मैंने उनको ट्रैप कर दिया था। नेक्स्ट डे मैं अपना आयरन का आर्मर भी कम्प्लीट कर लेता हूँ और उसमें मैंने अपना पूरा एकदम आर्मर सूटअप कर लिया था, एक शील्ड भी मैंने बना लिया था और अपने बेसिक के टूल्स भी बना लिया था। उसके बाद मैं निकल पड़ा फिर से माइनिंग की ओर क्योंकि हमारे पास आयरन का अभी तक कम हो रहा था और उधर ही मेरे को एक फैन मिल गया जिसको मैंने मार दिया। फिर निकल पड़ा माइनिंग की ओर, मैंने कुछ आयरन माइन किए, बहुत सारे कोल माइन किए। थोड़ी देर बाद इधर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया जिसमें मेरे बहुत सारे फैंस आए थे तो उनको भी मेरे को मारना पड़ा। और उसके बाद आगे मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्टिंग में डाल दिया और एक डबल चेस्ट बना के अपने सारे कूड़े सामान को अंदर डाल दिया। नेक्स्ट डे मैं लग गया विलेज को बाउंड्री को बनाने के लिए और इसको मैं बना रहा था कॉबल स्टोन के वॉल से क्योंकि हमारे पास कॉबल स्टोन थे जिससे हम ये बाउंड्री बनाने वाले थे। नेक्स्ट डेट पास ही में हमको एक स्पॉनर मिल जाता है और जिधर मेरे को बहुत ज़्यादा ही लूट मिलता है और ये स्पॉनर हमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। फाइनली स्पॉनर से मिले हुए फोन से मैंने एक कुत्ते को टेम कर लिया और इसका क्या नाम होने वाला है वो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए और उसको जाके घर पे बिठा दिया। उसके बाद मैं लग गया अपने माइनिंग एरिया के और माइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा डीप जा रहा था क्योंकि ये 1.19 में खेल रहे थे इसलिए -64 भी जा रहा था ये। थोड़ी देर बाद मैं स्ट्रिप्ट माइनिंग करने लग गया और उसी के दौरान मेरे को बहुत सारे डायमंड्स भी मिले। मैं ऊपर जाकर अपने डायमंड्स के टूल्स भी बना लेता हूँ, मेरे को अराउंड 13 डायमंड्स मिले थे और उसे मैंने एक चेस्ट प्लेट और एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया था। और उसके बाद मैं क्या लगा माइनिंग करने ऑब्जेक्ट हमारे विलेज के पास ही आए हुए एक लावा पूल को मैंने वाटर से कवर करके उसके ऑब्जेक्ट को मैंने सारे माइन कर लिए। उसके बाद मैंने एक बुक क्राफ्ट करके अपना पहला एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया और मैंने इसको साइड में प्लेस कर दिया क्योंकि जगह ही नहीं था। उसके बाद मैंने एक पोर्टल भी बना लिया, बहुत मुश्किल से अपने घर को तोड़ के मैंने फिर से ये अपना पहला पोर्टल भी बना लिया था। उसके बाद इसको इग्नाइट करके मैं चला गया नेदर की ओर और मेरे को जाके कुछ ज़्यादा सा डर लगने लग गया क्योंकि मैं तो अभी आयरन में था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ देखे भी नहीं, मैं सामने का बस स्केलेटन देख के भाग आया।
लेटर हमारे मॉक्स ऑनर एक्सपॉन को भी ऊपर में काम करना लग गया और ये भाई ये बहुत हमें एक्सपी देने वाला है। और मैंने एक नीचे का एक छोटा सा रूम भी बना लिया जिधर हमारा चैम्बर होने वाला है, उसका देख ही सकते भाई एक बार मेरे को कितने सारे एक्सपी मिलते हैं। अभी मेरा 16 एक्सपी था। उसके बाद मैं चला गया कुछ वुड तोड़ने बुक शेल्फ्स के लिए। हमारे एन्चेंटमेंट टेबल को भी मेरे को मैक्स आउट करना था क्योंकि मेरे को भी एन्चेंटमेंट्स करने थे, इसलिए मैंने कुछ बुक शेल्फ तोड़े और कुछ बुक्स कलेक्ट करने में भी लग गया और शुगर केन भी प्लेस करना चालू कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने और भी कुछ शुगर केन माइन के आसपास जाके और मेरे को जाते हुए मेरे को एक बहुत ज़्यादा शुगर केन मिल गया थे। और थोड़ी देर में मेरे को और एक विलेज मिल गया था जिसको मैंने पूरा ही लूट के ख़त्म कर दिया था, जिधर मेरे को बहुत सारे लूट भी मिला और बहुत ज़्यादा अराउंड बहुत सारे बिल्ड के टूल्स भी मिले। फिर अपने खुद के विलेज में आके मैंने सारे शुगर सेन को प्लेस भी कर लिया और जितने भी मेरे पास बुक शेल्फ थे मैंने सारे प्लेस करके एन्चेंटमेंट टेबल के आसपास लगा दिया। मैंने फिर कुछ ज़ॉम्बीज को मार के अपना 30 एक्सपी भी कंप्लीट करके फिर कुछ डायमंड माइन करने में लग गया। उधर मेरे को कुछ और गोल्ड भी मिले और बहुत सारे डायमंड्स भी मिले। और उसी टाइम लालच की वजह से मैं मरते मरते बचा। पास के स्पॉनर के पास मेरे को रियली एक एन्चेंटेड एप्पल भी मिल गया और ये मेरे को सीरीज में बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। तो मैं फिर से लग गया डायमंड माइनिंग के। और देन वापस आके मैंने अपने कुछ बचे कुचे डायमंड के आर्मर को भी कंप्लीट किया, लाइक एक लेगिंग्स और एक बूट बना लिया। एंड फाइनली मैंने अपने बुक शेल्फ को कंप्लीट कर लिया और मैंने पूरे एकदम एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स आउट कर लिया। फिर मैंने अपने पिकैक्स को भी एन्चेंट कर लिया और मेरे को लकीली बहुत ओपी वाला एन्चेंटमेंट भी मिल गया था। उसके बाद मैंने और भी कुछ अपने आइटम्स को एन्चेंट किया। फिर मैंने कुछ एरो ट्रेड करके नेदर की ओर निकल गया। नेदर में जाके मैंने कुछ बोन्स ब्लॉक माइन किए, कुछ क्वार्ट्ज भी माइन कर लिया और लेटर कुछ क्रिम्सन लॉग्स भी माइन कर लिया था मैंने। और हमारे प्यारे एंडर भाव को भी मार के हमको एक एंडर पर्ल भी मिल गया था। और मैं फिर से जाके अपने एन्चेंटमेंट टेबल में और एक एन्चेंटमेंट किया और अपने बो में इन्फिनाइट ही एन्चेंटमेंट लगवा दिया। नेक्स्ट डे हमारे ओपी वाले घर के लिए मैंने एक एरिया बनाना चालू कर दिया, मैंने पूरे एरिया को फ्लैट करना भी चालू कर दिया था। एंड फाइनली लग गया था अपने घर के मटेरियल्स के काम पे और मैंने उसके टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्लॉक्स और वुड भी माइन किए थे और बहुत ज़्यादा ग्राइंड अप करना पड़ा था मेरे को। गाइस ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है और आपको बस छोटा सा 2 सेकंड लगता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद मैंने अपना प्यारे से घर के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया था।
तो इधर ही हमारा डे 1 to 50 माइनक्राफ्ट हार्डकोर खत्म होता है। होपफुल आपको पसंद आया होगा ये सीरीज, और इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से 25 लाइक्स कंप्लीट कर दो और जल्दी से भर के कमेंट डाल दो। आई होपफुल कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और इसीलिए एक इस छोटे से यूट्यूबर के लिए एक छोटा सा लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।